हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनेट्स, हम उन सेक्स ऑर्गन्स को बोलेंगे जो दो काम करेंगे। पहला, गैमेट ऑफ द सेक्स बनाएंगे, दैट मींस दीज ऑर्गन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन। और इनका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस सेक्स हॉर्मोन विच रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये भी हमें पता है कि मेल गोनेट्स आर टेस्टिस, हम टेस्टिस को मेल गोनेड या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेस्टिस की ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ा, और हमने ये देखा कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और थोड़ा बहुत इनके बेसिक फंक्शन के बारे में भी हमने आइडिया लिया था पिछले वाले लेक्चर में। एक बार मैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस जो है ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल फिसर प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियास्टिनम, जो टेस्टिस के अंदर के चैम्बर को दो अनइक्वल चैम्बर्स में डिवाइड करेंगे, आउटर लैटरल लार्जर, और जो मिडिल साइड में होगा इनर चैम्बर होगा वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ईच टेस्टिस इज इन्वेस्टेड बाय अ टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इस लेयर को हम लोगों ने बोला था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये टेस्टिस में जो आउटर लैटरल टेस्टिकुलर चैम्बर है इसमें इन्वेजिनेशन सेंड करेगा इस तरीके से। यानी ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है ये आउटर टेस्टिकुलर चैम्बर में इस तरीके से क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है। इस तरीके से क्या हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी। यानी अगर मैं अपनी फिंगर यहां पे रख करके धसाऊं इधर, तो ये रेड वाली लाइनिंग जो है अंदर की तरफ चली आएगी, और इस तरीके से कई सारे क्या बनाएगी, ये पार्टीशंस बनाएगी, और इन पार्टीशंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेप्टा। और जो सेप्टम है इट डिवाइड्स आउटर लेटरल टेस्टिकुलर चैम्बर इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ लोब्स, और इन लोब्स को हम लोग बोलते थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर हम नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करें तो हर एक टेस्टिस में नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स विल बी 250, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच टेस्टिस। और अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर यहां पे हाईली क्वाइल्ड अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नंबर 1, 2, 3 हो सकता है, 1 से 3। और इन ट्यूब को, ये हाईली क्वाइल्ड जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स, इनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्स के बाहर ये जो खाली जगह रह जा रही है, जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस को हम लोग इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं, और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इन इंपॉर्टेंट सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स, या फिर इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिग बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं लेडिग सेल्स। तो ये दो बातें हमको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि टेस्टिस के अंदर कई सारे क्या होंगे, कंपार्टमेंट्स होंगे। इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर नंबर पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 250 होंगे। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3, 1 से 10 हो सकती है, लेकिन नियरली कम की तरफ होती हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो खाली जगह है उसको इंटरस्टीशियल स्पेस, और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिग या लेडिग सेल्स, या फिर इनको हम इंटरस्टीशियल सेल्स बोल सकते हैं। तो अगर इस टेस्टिस को या इस सेक्स ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, तो ये उस सेक्स का गैमेट प्रोड्यूस करे और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करे, तब हम इसको बोल पाएंगे उस सेक्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम इसको मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं तो ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो ये वो पर्टिकुलर जगह है, ये वो पर्टिकुलर साइट है जहां पे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और मेल गैमेट्स को हम लोग बोलेंगे स्पर्म, और स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटो
जेनेसिस, स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि ये जो टेस्टिस है ये मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। दूसरी शर्त क्या है कि ये क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, सेक्स हार्मोन। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिग, ये प्रोड्यूस करती हैं सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन, और जो मेन एंड्रोजन होगा इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसके दो बेसिक फंक्शन है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। और इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को। तो एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये समझ में आ गया कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, और दूसरा फंक्शन हमें समझ में आ गया कि ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बड़े ध्यान से सुनिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस डिपेंड कर रही है इस पर्टिकुलर हार्मोन पे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। मेन एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन है, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है, इसका जो मेन सेक्स हार्मोन है, मेन मेल सेक्स हार्मोन है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये प्रोसेस जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, ये डिपेंड कर रही है इस पर्टिकुलर हार्मोन पे, और ये पर्टिकुलर हार्मोन सिंथेसाइज होना शुरू होता है, प्रोड्यूस होना शुरू होता है, रिलीज होना शुरू होता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी पे। मतलब इसका यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तभी होगी जब ये हार्मोन सिंथेसाइज होगा, रिलीज होगा। और कब ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, प्यूबर्टी पे या प्यूबर्टी के बाद? तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी पे या प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगी। और हमें पता भी है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था, ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अगर आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती हैं सारी के सारी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी पे रिलीज होना स्टार्ट हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस कराने वाला हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी पे या प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा रिलीज होना, सिंथेसाइज होना। इसका मतलब यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी आफ्टर प्यूबर्टी या प्यूबर्टी पे, इसलिए मैंने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज विच इज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब यहां पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं हमारी बात को कि सर आपने किसी एक लेक्चर में ये बताया था कि जो मेल बेबी है ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही जो फीटल टेस्टिस है इससे कुछ ना कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन याद दिला दूं, द मेन फंक्शन वॉज डिसेंट ऑफ टेस्टिस। जो फीटल टेस्टिस से रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, इट लीड्स टू डिसेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द एब्डोमेन टू स्क्रॉटम। तो जो फीटल टेस्टिस से इंट्रा यूटराइन लाइफ ऑफ मेल बेबी, जो फीटल टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, ये एब्डोमेन से टेस्टिस को डिसेंट करा रहा है किसमें, स्क्रोटल सैक में या स्क्रोटम में, ना कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिलीज हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल बेबी, जो मेल बेबी है इसमें धीरे 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 एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो दो बातें मैंने आपसे करी कि पहली चीज तो ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही जो फीटल टेस्टिस है ये थोड़ा बहुत एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर देगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, डिसेंट ऑफ टेस्टिस के लिए। बर्थ के बाद इसी मेल बेबी में धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन और रिलीज रुक जाता है या बंद हो जाता है कह सकते हैं। दोबारा से सिंथेसिस या प्रोडक्शन या इसका रिलीज जो है स्टार्ट होता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फिर मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कहा कि फीटल लाइफ में
या कह सकते हैं इंट्रायूटराइन लाइफ में फीटल टेस्टिस से थोड़ा बहुत एंड्रोजन रिलीज होगा या टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, और ये जो मेल बेबी है इसके बर्थ के बाद इसके बॉडी में सिंथेसिस या प्रोडक्शन या रिलीज टेस्टोस्टेरोन का धीरे धीरे बंद हो जाएगा, दोबारा शुरू होगा एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आएगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए ध्यान से, द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। मैं ये कह रहा हूं कि द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ GnRH, GnRH स्टैंड फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। तो प्यूबर्टी पे GnRH रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस से, या समझ लीजिए कि GnRH रिलीज होने की वजह से ही क्या आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है। तो एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मेल बेबी जो है इसके हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा प्यूबर्टी अटेन कराएगा इसको। तो दोनों बातें सही है, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं कि प्यूबर्टी पे GnRH रिलीज करना शुरू कर देगा हाइपोथैलेमस इसका, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जब GnRH प्रोड्यूस करना शुरू करेगा तब ये समझ सकते हैं कि क्या आ चुकी है, प्यूबर्टी आ चुकी है। वो बाहर से भी दिखेगा, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हम देख करके मेल मॉर्फोलॉजी को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, हमने बात किया था इस पे। तो एक फ्लो चार्ट भी मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है ये एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी रिलीज करना शुरू करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी पे और एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ टू इंपॉर्टेंट गोनाडोट्रोपिन्स। वन इज ICSH, स्टैंड फॉर इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एज द नेम इंडिकेट्स इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टीशियल सेल्स को, और इंटरस्टीशियल सेल्स कहां है, ये है, यानी कि ये हार्मोन इन सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जब इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टीशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो इंटरस्टीशियल सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे एंड्रोजन, या कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे तो कुछ हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई देंगे जिनको हम देख करके मेल मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरी तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपसे करी उसको बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, आखिरी बार मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और फिर मैंने आपको बताया कि द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एक्ट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी पे, स्टिमुलेट करेगा इसको, और ये हार्मोन रिलीज कराएगा। इस हार्मोन को हम इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल रहे हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है ऐसा हार्मोन है जो इंटरस्टीशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो ये इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टीशियल सेल्स को, और इंटरस्टीशियल सेल से प्रोड्यूस कराएगा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। जैसे ही एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, एक तरफ ये कुछ ऐसे फीचर्स या करेक्टर्स डेवलप करेंगे जिनको देख करके हम मेल मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन करेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, जैसे बियर्ड एंड मुस्टैचेस, हैवी वाइस या कह सकते हैं लो पीस्ड वाइस, ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट पे हेयर्स, मस्कुलर डेवलपमेंट, नैरोअर हिप, बेसल मेटाबॉलिक रेट कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एग्रेसिवनेस। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप करेगा एंड्रोजन एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या प्यूबर्टी के बाद, और दूसरी तरफ ये एंड्रोजन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हुई है, और दूसरी तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ये कह पा रहा हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस तब स्टार्ट होगी जब एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन आएगा। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन आ कहां से रहा है, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडीज से, तब निकलेगा जब इंटरस्टीशियल सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन आएगा ICSH। कहां से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन तब रिलीज होगा जब इस पे एक्ट करेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे कब, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी
प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें ये कहा कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे ये हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ये हार्मोन्स बनते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और दूसरी तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और आफ्टर द प्यूबर्टी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे या प्यूबर्टी के बाद हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होगा, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराएगा, वो एक्ट करेंगे इंटरस्टीशियल सेल्स पे, स्टिमुलेट करेंगे एंड्रोजन एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा और दूसरी तरफ ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेगा। तो प्यूबर्टी के बाद ही ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही है कब, आफ्टर प्यूबर्टी या एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर हो रही है, जबकि जो हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन और रिलीज हो रहे हैं इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडी पे और इंटरस्टीशियल सेल्स प्रेजेंट हैं इंटरस्टीशियल स्पेस में। फिर इसको ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कहां, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इस ट्यूबुल के अंदर हो रही होगी, स्टिब्यूल के अंदर हो रही होगी। फिर मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कराने वाला हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, रिलीज होगा इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिक से और ये सेल्स प्रेजेंट होंगी इंटरस्टीशियल स्पेस में, यानी यहां पे इस स्पेस में रिलीज हो रहा है हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन बोल रहे हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है इस ट्यूब के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, मतलब इस हार्मोन को इस ट्यूब्यूल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है ट्यूब्यूल के अंदर और हार्मोन रिलीज हो रहा है बाहर स्पेस में, तो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होगी हार्मोन को वहां जाना पड़ेगा, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फ्रॉम द इंटरस्टीशियल स्पेस हार्मोन जो एंड्रोजन है वो जाएंगे कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। फिर इसको समझिए, हमने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन जा रहा है, एंड्रोजन, कहां से, इंटरस्टीशियल स्पेस से। तो अपने आप नहीं जाएंगे, यहां पे आता है दूसरे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का इन्फ्लुएंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेंगी सर्टोली सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स पे, और यहां से रिलीज कराएंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स, एक प्रोटीन जिसको हम बोल रहे हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, और एक और हार्मोन रिलीज कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो सर्टोली सेल है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर सर्टोली सेल्स है, ये रिलीज करेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन को बाइंड करके बाहर से इंटरस्टीशियल स्पेस से लेकर के आएगा कहां पे, सर्टोली सेल के पास, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सर्टोली सेल जो है इंटरस्टीशियल स्पेस पे नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर है, ये जो सर्टोली सेल है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर है, और ये सर्टोली सेल जब इस पे FSH एक्ट करेगा तो रिलीज करेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इंटरस्टीशियल स्पेस में रिलीज हो रहे एंड्रोजन हार्मोन को बाइंड करके लेकर के आएंगी इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ताकि क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो इस फ्लो चार्ट को मैं एक बार फिर से समअप करता हूं, मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, उल्टा चलते हैं ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तब होगी जब होंगे टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन, और ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिक से, और इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिक से ये हार्मोन तब रिलीज होंगे जब इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा, और ये इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से तब जब इस पे एक्ट कर रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है हाइपोथैलेमस से तब, कब, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस से GnRH प्रोड्यूस होगा, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, ICSH और FSH रिलीज कराएगा, ICSH इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएंगे, और FSH एक्ट करेंगे सर्टोली सेल पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कराएंगे, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस एंड्रोजन से बाइंड करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन से बाइंड करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करेगा, स्टार्ट कराएगा।
तो मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इस तरीके से स्टार्ट होती है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या स्पर्मेटोजेनेसिस इसको बोल रहे हैं, आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है यहां से लेकर के ये पूरा कनेक्ट करके इस डायग्राम से, इस पूरे फ्लो चार्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे फ्लो चार्ट के का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने कॉपी पे इसको बड़े आराम से ड्रॉ करिए और ये इसमें आप एनालाइज करिए, इसकी एनालिसिस करिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से इसके इम्प्लीकेशंस हैं, हम क्या क्या इससे समझ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस फ्लोचार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, कौन से हार्मोन का कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं, आंसर्स फाइंड आउट करने हैं आपको। यहां पर ढूंढना है कौन सा हार्मोन रिलीज होने लगता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, कौन सा हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, कौन सी प्रोटीन रिलीज होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर कौन सी सेल है जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कर रही है, कौन सी सेल है जो एनिफिन रिलीज कर रही है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी इंपॉर्टेंट सेल है जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, और मेन हार्मोन कौन सा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, और कौन से हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पे, और स्पर्मेटोजेनेसिस का रियल साइट क्या है यानी साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कौन सा है। तो इन 10 15 20 सवालों के उत्तर हैं इस फ्लो चार्ट में। मैं फिर आपको बता रहा हूँ जितने क्वेश्चंस मैंने लगातार लाइन से आपको बताए हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी फ्लो चार्ट में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसको बड़े आराम से अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए, वीडियो को पॉज करिए, बार बार इसको रिवाइज करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। मैं आपको, आप अगर इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट सेल है जिससे एक्चुअली स्पर्म बनते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी इंपॉर्टेंट सेल से होती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे।